हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करेले के सूखी सब्जी की रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देख लेते हैं ये रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करेले की सूखी मसालेदार सब्जी। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने 5 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डाल दिया है। आप यहाँ पर कोई भी तेल ले सकते हैं जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से पंचफोरन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जीरा ली है, थोड़ी सी अजवाइन है, काली सरसों के दाने हैं, मेथी के दाने हैं और सौंफ के दाने हैं। तो सभी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ली है और ये एक साथ डाल देते हैं। अगर आपके पास सभी चीज़ें नहीं है तो इसकी जगह भी आप सिर्फ जीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी पंचफोरन जो है भुन गई है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, इस तरीके से मैंने कट किया है। साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। प्याज के हल्के सॉफ्ट होने तक भून लेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और यहां पर प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए तो अब इसमें हम डालेंगे करेले। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 250 ग्राम करेले और इसे अच्छे से धोकर मैंने इस तरीके से पीसेस में कट किया है। और ये करेले इसमें डाल देते हैं। करेला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि करेले हमारे पक नहीं जाते तब तक। यहाँ पर मैंने करेले को अच्छे से मिला दिया है। उसके बाद इसे हम ढक देंगे। करेले को मैंने कवर कर दिया है और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए हम इसे पका लेंगे। और बीच बीच में इसे हम 4 से 5 बार चला लेंगे। और अगर आपको करेले ज़्यादा कड़वे लगते हैं तो करेले को इस तरीके से कट करके उसे उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसे रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। जब करेले में से पानी अच्छे से निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद करेले को किसी छन्नी में डालकर या फिर कपड़े में निचोड़कर उसका पानी निकाल दें। उसके बाद इस तरीके से सब्जी बनाएं जिससे कि करेला कड़वा कम लगता है। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्टली केवल धो करके कट किया है, वही करेले मैं यहाँ पर बना रही हूँ। चला लेते हैं करेले को। दोबारा से ढक देंगे तो 6 से 7 मिनट में हमारे करेले बहुत अच्छे से पक जाएंगे, तब इसमें हम बाकी सारे मसाले डालेंगे। तो मैं इसे दोबारा से ढक रही हूँ और यहाँ पर मैंने करेले को अच्छे से पका लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने मसालों में लिया है 2 चम्मच के करीब धनिया का पाउडर, चिली फ्लेक्स लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं, और 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर है। तो ये सभी चीज़ें इसमें डाल देंगे और यहाँ पर मसाले मिला देंगे डालने के बाद अच्छे से। तो 2 मिनट हमें सूखे मसालों के साथ करेले को भून लेना है। और साथ में यहाँ पर डालेंगे हम आमचूर का पाउडर। ये मैंने मिला दिया है और इसे हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट के करीब हम भूनेंगे। और यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप 1/2 नींबू भी डाल सकते हैं या फिर 1 नींबू भी, जैसा भी आपको खट्टा पसंद है। और साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक अभी तक हमने नहीं डाला है। तो यहाँ पर ये नमक डाल दिया मैंने और लगातार चलाते हुए 2 मिनट हम भून लेंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। और मैंने 2 मिनट के करीब सभी मसालों को करेले के साथ अच्छे से भूना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब बेसन, जैसे कि हमारे इस करेले की सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये 2 चम्मच के करीब इसमें बेसन डाल दे रही हूँ। और बेसन डालने के बाद 3 से 4 मिनट हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे ताकि जो बेसन हमने डाले हैं बेसन भी बहुत अच्छे से भून जाए और अच्छे से करेले के पीसेस पे कोट हो जाए। तो इस तरीके से इसे भून लेते हैं जिससे हमारे करेले कड़वे भी कम लगेंगे और बहुत ही अलग सा स्वाद भी आ जाएगा करेलों में। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये मसालेदार करेले की सूखी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। और इसमें जो हमने बेसन डाला था वो भी बहुत अच्छे से भून गया है और करेलों पर कोट हो गया है। तो सभी मसाले बहुत अच्छे से कोट हो गए हैं करेले पे और ये हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो इसे सर्व कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये करेले की मसालेदार सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। तो इस सब्जी को चाहे आप रोटी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए या फिर लंच बॉक्स में पैक कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि करेले के सूखी सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी।